हेलो एवरीवन। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिग्नल ऐप का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको भी अपना सिग्नल ऐप का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो को सेकंड के लिए भी स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना सिग्नल ऐप ओपन कर लीजिए। सिग्नल ऐप ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस, तो आपको एडवांस पर भी क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कंट्री चूज़ कर लेना है, आप जिस कंट्री में रहते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो मैं अपने आपको सिग्नल ऐप ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं आपके मेरा सिग्नल ऐप का अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप भी अपने सिग्नल ऐप का अकाउंट डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके अपने सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए।